नमस्कार, स्वागत है आपका इस हेल्थ प्रोग्राम में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नियम। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सूर्य चढ़ने से पहले उठ जाना चाहिए। जब पक्षी अपना घोंसला छोड़ते हैं तभी आपको अपना बेडरूम छोड़ देना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है कि सुबह उठने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना, यानी कि सुबह उठते ही आप बिल्कुल पहला काम पानी पीने का करते हो। अगर पानी पीना भी है तो थोड़ा गुनगुना करके पिए, क्योंकि शरीर के ब्लड सर्कुलेशन पे इसका गलत असर पड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद आप सिंपल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही तुरंत आपको ठंडा पानी नहीं पीना। उसके बाद आपको तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि सुबह उठने के 45 मिनट बाद ही आपको नहाना है। जो हम गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बिल्कुल टाइम टू टाइम उठाएंगे उनको, कि हाँ बस आने में 15 मिनट का टाइम है, फटाफट 5 मिनट उनको नहलाने में लगाओ, 5 मिनट उनको ब्रेकफास्ट दो और 5 मिनट उनको बस स्टॉप पे छोड़ के आओ। तो जो ये फास्ट आपका काम करने का तरीका है सुबह सुबह जल्दबाजी का, यही शुरुआत गलत है आपकी। तो स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नियम में सबसे पहले आता है टेबल टू टॉयलेट प्रोसेस। अगर ये आपकी बिल्कुल ठीक है तो आप हर बीमारी को मात दे सकते हैं। तो नहाने और खाने का उचित टाइम रखें। जब आप अपने बच्चों को सुबह उठा रहे हैं तो थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठाएं, उठाने के 5 मिनट बाद उनको गुनगुना सा पानी दें, नेचुरल प्रोसेस से फ्री करवाएं और फिर उसके बाद उनको नहलाएं। नहलाने के 20-25 मिनट बाद उनको ब्रेकफास्ट दें और फिर उनको स्कूल बस में बिठाएं। तो एक तो ये सावधानी रखनी है, दूसरा आपको दोपहर के खाने और पीने के कुछ नियम की सावधानी रखनी है कि जब आप दोपहर को खाना खा रहे हो तो आपके खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आधे घंटे बाद आपको सिप सिप करके एक गिलास पानी पीना चाहिए, जरूर पीना चाहिए आधे घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि जो HCL आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपके खाने को चर्न कर रहा है, उसका नेचर गर्म है और वार्म नेचर के कारण आपके शरीर में पसीना आएगा ज़्यादा, हार्ट बीट तेज हो सकती है। और सूखा हुआ खाना मतलब एक भूनने वाली प्रोसेस में चल रहा है, हमें अंदर पेट के अंदर भूनना नहीं है उसको, उसको गूथना है, मथना है। तो उस मंथन क्रिया के लिए आपको एक गिलास पानी आधे घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। दूसरी बात, दोपहर के खाने के बीच में आपको सैलेड जरूर यूज करनी चाहिए, यानी कि पहले टमाटर और खीरा खाओ, फिर आप अपना चपाती और सब्जी खाओ, फिर खाना जब आपका फिनिश होने वाला है तो फिर से टमाटर और खीरा खाओ। यानी कि स्टमक में पहले आपको फाइबर की लेयर चढ़ानी है, बीच में आपका जो ये गेहूं है, अनाज है, उसको रखिए, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटोन होता है और उससे उसको बीच में रखिए, ग्लूटोन को बीच में रखना है और ऊपर भी फाइबर नीचे भी फाइबर, ताकि सुबह लार्ज इंटेस्टाइन को मोशन पास करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि गेहूं के अंदर, मोटे अनाज के अंदर ग्लूटोन होता है और वो ग्लूटोन आपका चर्निंग प्रोसेस के बाद भी इंटेस्टाइन में चिपक के रह जाता है और ये चिपकते 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 आव मवाद, म्यूकस जिसको बोलते हैं, उसके रूप में आपके शरीर में इकट्ठा होता रहेगा। और फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि पेट का फूलना, बदहजमी, इन सारी चीज़ों के आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट नज़र आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले अपने रूम की खिड़कियां दरवाजे खुले रख लेना और रिलैक्स वाले कपड़े पहनना, बिल्कुल आउटफिट आपका रिलैक्स होना चाहिए ताकि नींद अच्छी आई। और उसके बाद फिर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि नाक से लंबा सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, और लेफ्ट साइड की करवट लेके ही लेटना है और लेफ्ट साइड की करवट से ही उठना है। उठने के बाद 17 से 18 सेकंड का टाइम जरूर लें, यानी कि जब आप लेफ्ट साइड की करवट लेके उठें तो 17-18 सेकंड तक अपने बेड के ऊपर बैठे रहें। पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते, दादा दादी नाना नानी, देखा भी होगा कि उठते ही पहले अपनी करवट लिया करते, उल्टी साइड अपनी जूती रखा करते, पैरों के जो फुटवियर हैं वो लेफ्ट साइड रखते थे अपनी चारपाई के, ताकि लेफ्ट साइड की करवट लेके जब उठे तो अपने चप्पलों को वो झाड़ते थे, जूते चप्पलों को। वो झाड़ने की क्या साइंस थी, ताकि जो ब्रेन का सर्कुलेशन
हमारे शरीर का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उसको रिलैक्स करवाने पे जोर था रात को नींद के लिए, तो वो सर्कुलेशन इक्वल हर सेल्स में चला जाए। तो लेफ्ट साइड की करवट लेके थोड़ा सा रिलैक्स करना है, यानी हलचल पैदा करनी है। जो रिलैक्स मोड में थी बॉडी, उसको एक्टिवेट मोड में लाना है। तब आप उठिए, अपने जूते चप्पल पहनिए, फिर आप बाहर निकलिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, कम से कम 2 लीटर पानी पीजिए 24 घंटे में। अगर किडनी पेशेंट हैं, किडनी डिसऑर्डर है, तो आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो लोगों ने ये धारणा बना रखी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड, अगर ज़्यादा पानी पियोगे, ज़्यादा लिक्विड लोगे, तो एल्कलाइन का नेचर हो जाएगा, और एल्कलाइन डिजीज क्योर होने में टाइम लेती है। तो एसिडिक डिजीज जल्दी आती हैं शरीर में और जल्दी शरीर को छोड़ के भी चली जाती हैं। एल्कलाइन जो डिजीज हैं वो इतनी जल्दी शरीर को नहीं छोड़ती। तो पानी भी लिमिट में लीजिए, अपने शरीर के नेचर के अनुसार लीजिए। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एल्कलाइन है शरीर में या एसिड है, तो उसके लिए भी सीधे सी एक मैं आपको समझाना चाहूँगी, सिंपल है। आपकी जो रिंग फिंगर हैं दोनों हाथों की, रिंग फिंगर में सबसे नीचे वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट को आपको ऐसे अपने अंगूठे से सपोर्ट देनी है, और इस फर्स्ट वाली फिंगर को यू टाइट पकड़ लेना है ऐसे, और फिर इसको जैसे नट चढ़ाते हैं ना, किसी नट बोल्ट को घुमाते हैं, टाइट करते हैं, ऐसे ही आपको इस फिंगर का नट चढ़ा के देखना है। यूं 10 से 12 बार जब आप ऐसे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस फिंगर के कंपैरिजन में इस फिंगर में ज़्यादा दर्द है, या इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा दर्द है। इक्वल प्रेशर डालना है। जिस फिंगर में थोड़ा ज़्यादा पेन है, तो उस साइड का नेचर बिगड़ा हुआ है। कैसे? जो राइट साइड है ये आपकी एल्कलाइन है, ये आपका एल्कलाइन बताएगी, और लेफ्ट साइड की फिंगर जो है ये आपका एसिड बताएगी। तो आपको एसिड और एल्कलाइन घर बैठे चेक करना आ गया। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगी, दोनों रिंग फिंगर को इक्वल प्रेशर के साथ आप ऐसे करके, ऐसे ट्विस्ट करके देखिए। जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो क्रोनिक पेन होगा दोनों के कंपेरिजन में। वन साइड अगर पेन ज़्यादा है, तो उसी साइड का आपका नेचर बिगड़ा हुआ है। फिर से बता दूँ, राइट साइड एल्कलाइन और लेफ्ट साइड एसिड। अगर दोनों में इक्वल पेन है, तो दोनों ही आपके बैलेंस बिगड़े हुए हैं, अगर पेन है तो। और सिर्फ दबाने वाला पेन है, तो आपका शरीर स्वस्थ है, आपका एसिड और एल्कलाइन बैलेंस है, डरने की कोई बात नहीं। तो ये आप घर बैठे नाड़ी योग स्पेशलिस्ट भी बन गए, नाड़ी चेक करना भी सीख गए। तो ये नहाने, खाने और सोने के कुछ नियम हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे, तो छोटी मोटी 200-300 बीमारियों से तो आप वैसे ही बच गए। एक मैं आजकल की जो जनरेशन है, लड़के लड़कियां रात भर फोन देखते हैं, उनके पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगी, मेरी हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेट नाइट फोन को अपने पास मत रखो। मैं तो ये कहूंगी कि अपने रूम में भी मत रखो। जब से ये मोबाइल फोन आए हैं, उसके बाद से ज्यादा बीमारी आई है, सर्वाइकल माइग्रेन, थायराइड, आपके जकड़न शरीर के अंदर, मांसपेशियों में दर्द, तो इस फोन के साइड इफेक्ट है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लेट नाइट तक फ़ोन पे काम कर रहे हो, तो आईज ऑप्टिक नर्व आपकी थक जाती हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपको अपनी आँखों को बहुत टाइट दबाना है। कैसे? यूँ लंबा सांस लेना है और टाइट आँखें बंद करनी है, और फिर झटके से खोलनी है, फिर से टाइट आँखें बंद करनी है और खोलनी है। ऐसे 20 से 25 बार करना है, ताकि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है ये थोड़ी एक्टिवेट हो और दोबारा से री एनर्जिक होकर फिर से वर्क कर सकें। अगर आईज कॉन्टैक्ट को एक ही जगह कई घंटे रखेंगे, तो आंखों की रोशनी जा सकती है, रतौंधी नामक रोग हो जाएगा, ब्लर्ड फट सकता है आपका, जिसको बोलते हैं ब्लर्ड विजन, डबल विजन, एक ऑब्जेक्ट दो दिखाई देना, ये ज़्यादा फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ अगर कनेक्टिविटी ज़्यादा है, तभी आती हैं ये बीमारियाँ। तो मैं यही कहूँगी कि न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स हैं, अपनी ऑप्टिक नर्व को 2 मिनट के लिए बीच बीच में ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स कीजिए, आँखों को टाइट बंद कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। आईज का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करवाना है 20 से 25 मिनट, और मुंह में खूब सारा पानी भर के और अपनी आँखों में ताजे पानी के छींटे मारिए, उससे आपकी आँख के ऊपर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। जब आप छींटे मारेंगे, तो आपके मुंह का जो पानी है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, और उस गर्म पानी को बाहर फेंक लीजिए, तो इससे आँखें रिलैक्स हो जाएंगी, बिल्कुल शीतल हो जाएंगी आपकी आईज, और दोबारा से काम करने के लिए रेडी हैं। तो है ना ये बहुत अद्भुत विज्ञान। तो घर बैठे अपने डॉक्टर बनिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इनको शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टाइप की चाहते हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त लेंगी और मैं आपको हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।